Hey guys, it's Shannat. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज भी हम पाकिस्तानी songs पे react करने वाले हैं. Songs that we can never forget part 2. उसका apparently part 1 भी होगा, लेकिन ये हमें थोड़ी अच्छी लगी तो हमने सोचा पहले इस पे कर लेते हैं. अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो पार्ट वन पे भी कर लेंगे. सो गाइज, विदाउट मूविंग एनी फर्दर, ये दो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं. अगर आप हमें फॉलो नहीं करें तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए. लेट्स गो. आप जन्नत ने पहले बोल दिया इजाजत लेने नहीं दी. आजकल देखा ऐसे इजाजत लेने नहीं देती भाई. बड़े मजा क्या हो. आप जन्नत दी इजाजत के लेने के बिना. मॉडर्न गाने है ये. मैंने नहीं सुना ये गाना. नहीं सुना तो नहीं. अच्छा है. ओ ये मैंने सुना है. अली जफर. तेरे हाँ सुना है. याद नहीं आ रहा. मैंने देख ही नहीं सका. आपको पता होता तेरे प्यार ने किया सोचा न था. बड़े डिस्को वाइब सॉन्ग है. मॉडर्न है ना. दिल में तुम होठों पे तुम आंखों में जाने जा. गलियों में तुम फूलों में तुम सपनों में जाने जा. दिल में तुम होठों पे तुम आंखों में जाने जा. अली जफर के सुनो पहले. तुम ये कह दो कि तुम आई हो यहां मेरे लिए. ये थोड़ा मॉडर्न गाना है. रहे ना रहे ये जीवन कभी बनी ये रहे तो तेरी कसम ओ यारा मेरे जुदा हम ना होंगे कभी. मौने व्यापारी आओ बंगड़ा पाओ बंगड़ा फैशन है आओ ना चुकाओ कुछ है जा पे लिए विद मी नाल सोनी जी कुड़ी हो फ्रॉम लाहौर दी सिटी बाजी आओ मेरे नाल तो ऐसे गाने चलते हैं. किसी और को पटा ले. अच्छा ये तो पता है. ऐसे कोई कैसी रातें हो. ये नहीं सुना मैंने बिल्कुल भी ना. नहीं हाँ ये वही है.
41 की लास्ट वोकल ये कौन से आते इसका सुना तो हमने पक्का होगा क्या बात है ठहराव है आवाज में ये तो नहीं सुना राहिम शाह सबसे खतरनाक गाने जो मुझे लगे एक तो वो हवा हवा शौक लगा हवा मुझे तो क्योंकि इमरान हाशमी वाला तो फिर मतलब हमारा इतना फेस है ना इमरान हाशमी के गाने इतने सुनते थे हिमेश रेशमिया गाता था और उसकी हर मूवी के गाने बेस्ट होते थे है ना
अब उसके साथ मूवी कोई क्यों नहीं बना रहा, बना रहे क्या? पता नहीं, वो ऐसे चीटिंग टाइप एक मूवी सी बनाई थी उसने की, मैंने देखी कॉलेज में चीटिंग करके कैसे एंट्री ले सकते हैं, उसकी बात एक और आई थी मैंने देखी, और अब कम आ रही है उसकी मूवी। अच्छा, और एक और लारी छूटी, कितना फेवरेट गाना है वो, मस्त गाना था यार वो। वैसे मोस्टली तो आई थिंक हमने अगर इसमें 20 गाने थे अगर मान लो तो, मुझे नहीं याद कितने थे, 20 थे तो हमने आई थिंक 12 तो सुने ही हुए थे, सुने हुए थे, बाकी भी हमने ट्यून वून सुन रखी थी। वो अली जफर के गाने के लिए मैं बहुत फैन रही हूँ। मेरे को याद नहीं आया, शायद मैं कोरस, तूने नहीं सुना होगा, तूने नहीं सुना होगा, मैंने सुना था जब मैं बहुत छोटी थी, टीवी पे आते थे तब, नहीं सुना होगा मैंने। तब ना ऐसे यहाँ ही आते थे पाकिस्तानी गाने ना, इंडिया में चलते थे बहुत, तभी शायद हमें पता ही नहीं है कि ये पाकिस्तानी, अली जफर मुझे इंडिया का लगता था, और नुसरत फतेह अली खान भी, नुसरत फतेह अली खान भी, एक दो लोग और भी हमेशा, और जुनून मैन तो मुझे लगता था इंडिया कहीं में जाते हैं, बहुत लेट समझ आया हमें, पर कितने अच्छे गाने थे। आई थिंक दीज आर जेन्युइनली द सॉन्ग्स दैट वी कैन नेवर फॉरगेट, obviously the ones that we heard, कुछ एक दो गाने मुझे थोड़े से bizarre भी लगे, to be very honest, Cinderella, but वो तो अच्छा लगा मुझे, Cinderella वाला वही था ना, मैं रस्ते में वो मार रहा हूँ, ये बड़ा famous गाना था, पर अभी ऐसे हाँ, पर कुछ 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 मुझे नहीं अच्छे लगे भी गाने, ऐसे भी थे, but Cinderella तो अच्छा था, और ऐसे और भी गाने मुझे बहुत अच्छे लगे, and I think these are truly the songs that we'll never forget. So guys, this is our reaction. We really hope that you liked it. And if you did this video, को like कर दो, leave जाने lovely comments and don't forget to subscribe, guys. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.